बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं चिकन पकौड़ा देसी अंदाज में, नए स्टाइल के साथ, नए तरीके के साथ। आपके साथ रेसिपी शेयर करते हैं चिकन पकौड़े की। हमने इसको मसाला वगैरह लगा दिया है, नमक, अदरक और लहसुन को हमने लगा दिया है। तो अभी इसको जो है ना, हम चूल्हे के ऊपर चढ़ा देते हैं। ये पक जाएगा, हाफ कुक हो जाएगा, अच्छी तरह कुक हो जाएगा। अमूमन जैसे ये अभी बड़ी बूटी है, इसको छोटे छोटे कट लगा दिए हमने ताकि मसाला अंदर तक रच बच जाएगा और खाने में बहुत ही लजीज और सॉफ्टी बनेगा और बिल्कुल जो है ना क्रीमी क्रीमी और होगा। तो अभी इसको हम चढ़ा देते हैं चूल्हे के ऊपर, हल्की आंच पे इसको पकाते हैं ताकि ये गोश्त अच्छी तरह गल जाए। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी ये देखना, हमें आंच थोड़ी तेज कर दी है। अभी चिकन जो है ना अपना पानी छोड़ रहा है। एक तो मसाला वगैरह अच्छी तरह इसके अंदर हो जाएगा, रच बच जाएगा। और आपने जो चिकन पकौड़ा खाया होता है बाहर का, हमें देखा होगा मुख्तलिफ जगहों से, तो बिल्कुल अंदर वाइट वाइट बिल्कुल ये भी वही चीज़ बनेगा। एक तो पकेगा सही और खाने में बहुत मज़ेदार बनेगा। हमारा ये चिकन बिल्कुल रेडी हो गया, चिकन पकौड़े का चिकन जो है हमारा बिल्कुल रेडी है। अभी इसको हम छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए। तो ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद फिर मसाला बनाते हैं। बेसन वगैरह जो चीज़ें हैं तो पकौड़े फिर फ्राई करते हैं और जल्दी जल्दी आपको बना के दिखाते हैं। हम अपने अंदाज में बना रहे हैं। हमने चिकन को मसाले लगा के अदरक, लहसुन और सब्ज मिर्च और नमक और सिरका तो हाफ कुक कर लिया है। ये तकरीबन कुक हो चुका है, आधे से ज़्यादा कुक है। तो अभी हमने 300 ग्राम बेसन ले लिया है, इसके अंदर डाल देते हैं जीरा, एक चम्मच जीरा, कुटी हुई मिर्च और सुरख मिर्च, सुरख मिर्च आधी चम्मच डालेंगे, ज़्यादा नहीं, डाइट। और नमक हंस में जाएगा आधी चम्मच, ये भी ज़्यादा नहीं, और खुश धनिया। स्पाइसेस के अंदर हमने ये डाल दिए चले। अभी इसमें हम पुदीना डालते हैं, पुदीने का मिसाल है, सब्ज़ धनिया ताकि इसकी लुक जबरदस्त आए। ये नीचे हमारा अभी मिक्स कर लेते हैं। अभी हम डालते हैं पानी अपने जरूरत के मुताबिक। बेसन हमने ले लिया था 300 से 400 ग्राम, तकरीबन आधा किलो बेसन ही है। अभी इसमें डाल देते हैं पानी। हमने बेसन के जो ना इस बैटर को जो बनाया मटेरियल को सख्त रखना है, बिल्कुल नरम नहीं रखना है। अगर किसी ने पकौड़े खाने हैं आलू वाले वो भी साथ बना सकते हैं इसी मटेरियल के अंदर, और हम लोगों ने बना भी लेना है। मटेरियल हमारा तैयार हो गया है पकौड़ों के लिए, हमने मटेरियल रेडी है और साथ में घी भी हमारा रेडी हो गया है। तो अभी शुरू करते हैं चिकन पकौड़ा बनाना। तो चलें शुरू करते हैं चिकन पकौड़े बनाना, सिर्फ फ्राई करना, अभी फ्राई बस, बाकी हमारा काम सारा ओके रेडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी हमारा बिल्कुल रेडी है और हमने आँच हल्की कर दी है, हल्की आँच पे बनाना है। अगर तेज़ आँच होगी तो ऊपर से तो पक जाएगा लेकिन अंदर से जो बेसन वो कच्चा रहेगा क्योंकि गोश्त तो पहले से पका हुआ है। और अभी हमने इसके अंदर एक और चीज़ ऐड की हुई है, अजवाइन, वो तकरीबन एक चम्मच डाली है। अजवाइन बहुत अच्छी चीज़ है और सेहत के लिए। और अभी हम शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त को जो है इसके जो हमने बेसन का मसाला बनाया, अब ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक एक करके आराम के साथ बिल्कुल सुकून के साथ, जल्दी नहीं करनी, हल्की आंच पे बनाए और बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त बनते हैं। मज़ेदार चिकन पकौड़ा हम बना रहे हैं। मौसम भी ठंड है, हल्की बारिश होने का भी इम्कान है,
इस मौसम में चिकन पकौड़ा और इस तरह की चीज़ें खाने का अपना एक मज़ा है। पंजाबी में कहते हैं कि पूर, हमारा एक पूर रेडी हो गया है। पहले जो आपने चीज़ डाली हुई वो मुकम्मल होगी, उसको पूर बोलते हैं। अगर आपके हमारा चिकन पकौड़ा का एक पूर रेडी, हमेशा हल्की आंच पे बनाएं और खाएं तो चीज़ों का अपना एक मज़ा है। अभी हम शुरू कर देते हैं डोसा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारा चिकन पकौड़ा रेडी हो गया सारा टोटली। अभी हम डिश आउट करते हैं, निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी हम अपने बच्चों को बुला लिया है तो अभी चिकन पकौड़ा में टेस्ट करके बताते हैं कि बेटा आप लोग चेक करें और बताएं कैसे बने हैं। मुझे का